गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट किस प्रकार काम करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट का ये ड्राइंग है। ठीक है, और जो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट है। ठीक है, अब देखिए थर्मोस्टेट तो मान लीजिए कि हम दो टाइप के बताए थे पहले भी। ठीक है, एक एनालॉग है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, और एक जो है डिजिटल है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है ना, दोनों जो है जैसे एनालॉग और डिजिटल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख लीजिए शो ऑफ इसको किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से अब एडवांस टेक्नोलॉजी में जो है एक गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट आया है जो कि एडवांस में, यानी कि मॉडर्न युग जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे, जैसे पहले एनालॉग आया उसके बाद से डिजिटल, अब एडवांस में जो है गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट आया है। ठीक है, तो गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट का काम क्या है? काम जो एनालॉग जो डिजिटल करती है वही काम इसका है। ठीक है ना, लेकिन इसको जो है ये जो ऐप है तो ये क्या किया जाता है, इस सिस्टम को अपने मोबाइल में जो है इसका ऐप एक लोड किया जाता है, मोबाइल में अपने एक ऐप लोड किया जाता है, और उस मोबाइल से आप अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि इस जो है डिवाइस के जरिए, यानी कि गूगल थर्मोस्टेट के डिवाइस के चलते आप एक अपने मोबाइल में जो है ऐप जो है डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, उस एप्लीकेशन से ठीक है ना आपको जो है इस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करना है। मान लीजिए कि डिजिटल डिजिटल में तो जाके नंबर उस पर आप चेंज करते हैं कि कितना हमको कूलिंग में चाहिए, कितना हमको हीटिंग में चाहिए, तो वो आप करते हैं। लेकिन इसमें जो है इसमें क्या होता है, सिर्फ एक दीवार में फिक्स रहेगा, आप अपने मोबाइल के जरिए यानी कि आप इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी ये एकदम नया आया हुआ है। ठीक है, तो गूगल नेस्ट में फंक्शन क्या क्या रहता है, कूलिंग में भी रहता है, सिस्टम में भी, कूलिंग में और हीटिंग में दोनों सिस्टम इसमें रहता है। ठीक है ना, आप जो है इसको अपने मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट करके, जैसे एक मोबाइल होता है मोबाइल में जो है एक मोबाइल है, अब मोबाइल के जो वाईफाई से इसमें कनेक्ट आप कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो इसके जरिए वाईफाई के जरिए जो है आप एक ऐप लोड करेंगे, उस ऐप से इस गूगल नेस्ट जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस सिस्टम को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना ये गूगल नेस्ट में आप सेट करेंगे और वैसा ही आपका सिस्टम काम करेगा। कूलिंग सिस्टम में रखना है तो कूलिंग में काम करेगा, हीटिंग सिस्टम में रखना है तो हीटिंग में काम करेगा। लेकिन जैसे पहले का थर्मोस्टेट जो आप एनालॉग और डिजिटल देखते हैं तो उसको जो है आप कंट्रोल करते हैं अपने हाथ से, बटन से जाके मैनुअली कंट्रोल किया जाता है कि भाई हमको इतना डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें जो है आप अपने मोबाइल के जरिए बैठे बैठे इसको कंट्रोलिंग करेंगे। ये मोबाइल से चलने वाला नया थर्मोस्टेट है जिसको गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये एडवांस में आया है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, पहला जो देखिए ये जो हम बताए हुए हैं गूगल नेस्ट का जो थर्मोस्टेट है तो इसमें भी सेम है जैसे जो आपको डिजिटल में मिलता है वही चीज सेम है, जैसे Y1 कंप्रेसर का, Y2 जो है डबल कंप्रेसर का, इसमें दो कंप्रेसर का दिया हुआ है। ठीक है ना, दो कंप्रेसर का इसमें लेबल देखिए, एक ये यहाँ पर हम दिए हैं लेबल, ये है आपका फंक्शन। ठीक है ना, इधर लेबल है और इधर फंक्शन है। ठीक है ना, तो कौन कौन से लेबल में रहता है या कौन कौन सा फंक्शन है ये आप जानिए। ठीक है ना, पहले Y1 का जो है कंप्रेसर का है। ठीक है ना, ये कंप्रेसर का कंप्रेसर एक यानी कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर। ठीक है ना, और देखिए Y2 क्योंकि जानते हैं जहां तक आप थर्मोस्टेट में आप देखे होंगे कलर कोड का भी बहुत बड़ा मतलब महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है कलर कोड का। ठीक है ना, तो वाई पर येलो का लगाते हैं जो कि मतलब कंप्रेसर का वाई होता है। ठीक है, वैसे ही सेम ये जो आप देख रहे हैं ये एक खाली जगह है। ठीक है ना, खाली जगह ऐसे जो है एक जो डायग्राम में ये सेट रहता है जहां Y1 Y2 G OB और RC, इस साइड आप देखेंगे
W1 W2 एक ज्वेलरी कॉमन स्टार और एक RH, ठीक है ना। तो ऐसा जो है सिस्टम आप गूगल नेस्टो थर्मोस्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका देखिए किसका किसका कैसे है ये हम आपको बताते हैं, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से वायर कहाँ कहाँ इस पर कनेक्ट हुए हैं। ये जो हम ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं, ये वायर को हम कनेक्ट किए हुए जो कि सिर्फ अप साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ऊपर से ढक्कन रहता है, ऐसे ढक दिया जाता है, तो ये एकदम शो ऑफ, मतलब बढ़िया शो, आपके रूम में अगर कहीं लगा रहेगा गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट तो ये आपको शो ऑफ करेगा, ठीक है ना। यानी कि शो के लिए भी अपने घर में बहुत अच्छा, मतलब सुंदर भी रहेगा, सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए भी ये लगाया जाता है, ठीक है। आज नया एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बार बार उठ के आप कंट्रोल इसको करेंगे कि कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, आपको कूलिंग कितना चाहिए, हीटिंग कितना चाहिए, टेम्परेचर को जैसे कंट्रोल करना, रूम के कंट्रोल करने के लिए जो आप रूम में जो है टेम्परेचर का कंट्रोल करना है, तो टेम्परेचर की कंट्रोलिंग के लिए आपको उठ के नहीं जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल से ही आप इसको कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए Y2 जो है सेकेंड टू यानी कि सेकेंड जो है यानी कि स्टेज टू इसको बोला जाएगा, एक प्रकार से स्टेज टू बोलते हैं इसको। स्टेज टू में कंप्रेसर यानी कि दूसरे कंप्रेसर, यानी कि इसमें दो कंप्रेसर का सेटिंग दिया हुआ है, Y1 और Y2 का, यानी कि दो कंप्रेसर लगेगा, ठीक है ना। अब जी यानी कि ग्रीन कलर का वायर होता है, यहाँ पर फैन रिले लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ब्लोअर भी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लोअर उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए एक O/B है, ठीक है ना, O/B यानी कि हीट पंप चेंज वाल्व, ठीक है ना। हीट पंप जैसे चेंजिंग, अगर हीटिंग में रहता है तो उसको वाल्व चेंजिंग करना है तो इस फंक्शन से करेंगे, ठीक है। RC ये भी जो है 24 वोल्ट AC पर चल रहा है, RC इसमें जो है जैसे आप देखें होंगे डिजिटल थर्मोस्टेट में तो RC वहां पर दिया जाता है, तो 24 वोल्ट AC यानी कि इसको भी आप ट्रांसफार्मर लगा के ही 24 वोल्ट जैसे आप देंगे, ठीक है ना। 24 वोल्ट AC और 24 वोल्ट न्यूट्रल, ठीक है ना, फेस और न्यूट्रल दोनों 24 वोल्ट के सप्लाई से यही थर्मोस्टेट चलेगा, ठीक है, जो कि एनालॉग भी इसी से और डिजिटल भी 24 वोल्ट पर ही चलता है, ठीक है। वोल्टेज का कोई इसमें ज्यादा मायने नहीं रखना है, मायने इसमें विशेष रखता है यहाँ पर जो कॉमन है वो न्यूट्रल 24 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर कॉमन लगाया हुआ है जो कि यहाँ पर सी है, ठीक है। अब देखिए W2 एक ज्वेलरी हीट रिले स्टेज टू, यानी कि हीटिंग का भी दो है, एक Y1 W1 एक W2, ठीक है ना, हीटिंग का भी यहाँ पर दो है, ठीक है ना। अब देखिए एक RH है, एक स्टार है, पहले स्टार ये तो मान लीजिए कि न्यूट्रल हो गया कॉमन, ठीक है, 24 वोल्ट। ये जो स्टार है ये इमरजेंसी स्पीड का है, इमरजेंसी स्पीड कूलिंग हीटिंग जो भी है, इमरजेंसी स्पीड, इमरजेंसी स्टॉप किसी के लिए भी ये स्टार का दिया हुआ है। और RH जो है कहीं कहीं कोई कोई थर्मोस्टेट होता है, कोई कोई थर्मोस्टेट जिसमें सिंगल मतलब एक ही ट्रांसफार्मर लगाएगा जो है कूलिंग के लिए दे दिया जाता है, हीटिंग के लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन इसमें RH लगाया है कि कूलिंग के लिए अलग, हीटिंग के लिए अलग जो है आप ट्रांसफार्मर से चलाएंगे, ये एक इसमें सिस्टम है। अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी अपना, जैसे कहने का मतलब है कि किसी किसी थर्मोस्टेट में डबल ट्रांसफार्मर की भी जरूरत पड़ती है, अपने मतलब सिस्टम के मॉडिफाई के अनुसार ये जो है गूगल नेस्टो थर्मोस्टेट काम करता है, जो कि आप अपने मोबाइल में ऐप में जो है आप इसको डाउनलोड करके, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इसको अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया एडवांस में है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।